ओके दोस्तों, डिस्कस करते हैं DHCP। DHCP स्टैंड्स फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फिगरेशन प्रोटोकॉल, राइट। व्हाई डू नीड DHCP, राइट? प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक IP एड्रेसेस। क्या काम है DHCP का? IP प्रोवाइड करता है दोस्तों। अब IP भी टू टाइप्स है, स्टैटिक IP एंड डायनेमिक IP। जो स्टैटिक IP है उसका गेम क्या है, आप जाते हो मशीन पे, डिफाइन करते हो। आज तक हुआ क्या, जितने भी लैपटॉप डेस्कटॉप थे सब पे आप गए मैनुअल और जाके आपने IP डिफाइन किया, राइट। जो मैनुअली आप IP डिफाइन करते हो जाके PC लैपटॉप डेस्कटॉप पे, राइट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैटिक IP, राइट। आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक IP। स्टैटिक IP कॉन्फिगर्ड वाया एडमिन मैनुअली, एंड डायनेमिक IP इट इज कॉल्ड स्टैटिक IP। ओके दोस्तों, जो स्टैटिक IP मिले वो मैं वाया एडमिन मैनुअली जा जाके आप IP डिफाइन करोगे, और डायनेमिक IP वाया DHCP, राइट। DHCP पोर्ट नंबर 67 एंड 68। DHCP इट इज ए एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, राइट। प्रोटोकॉल DHCP इट इज ए UDP बेस। ठीक है, अब DH बस भाई बातचीत नहीं। अब DHCP में एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नेम होता है डोरा। एक एंड पे होगा DHCP सर्वर, एक एंड पे होगा DHCP क्लाइंट। क्लाइंट डोरा, डी स्टैंड्स फॉर डिस्कवर, डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट। क्लाइंट एंड से क्या स्टार्ट होती है, डिस्कवरी। किसको डिस्कवर करता है, सर्वर को, और सर्वर पे आप लोग क्या डिजाइन करोगे, IP पूल। IP पूल का मीनिंग है बंच ऑफ IP एड्रेसेस। क्या आप 1000 IP का पूल बनाओ, 100 IP का पूल बनाओ, डिपेंड्स ऑन यू। IP पूल का मीनिंग है बंच ऑफ IP एड्रेसेस, राइट। फिर यहां से क्या आएगा, ऑफर। क्लाइंट ने किया डिस्कवर, सर्वर ने दिया ऑफर। किसका ऑफर, इसको नीड थी IP एड्रेस, राइट और नॉट। आप ही तो SSID को सर्च करके सर्वर तक पहुंचते हो, राइट। आपका मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन एज ए क्लाइंट, और जहां आपका सर्वर जिसको IP चाहिए, IP देगा सर्वर। यहां से क्या आएगी, रिक्वेस्ट, कि दैट IP चूज। और यहां से क्या आएगा, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट के अंदर होता है लीज टाइम पीरियड। लीज बोले तो कब के कब तक IP डिफाइन किया है, 2 days, 3 days, 7 days, 8 days। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर की बात करें, 8 दिन तक, 8 days तक IP अलॉट करके रखता है, 8 days, टिल 8 days, 8 दिन तक उसको IP मिलेगी। राउटर की बात करें तो राउटर एक PC को जो IP देता है वो देता है टिल 24 आवर्स, 24 घंटे तक। डिफॉल्ट टाइमर है, वी कैन चेंज। इस चेंज मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, लीज टाइम। कब तक मिले हो IP, लीज
टाइम पीरियड। अब कहते हो आपका भी इंटरनेट चल रहा है, दिखाओ कैसे क्या है। राइट क्लिक, स्टेटस किया हुआ है ना सब डिटेल्स, देखो क्या मिली हुई है। लीज पे आईपी मिली होगी, देखना है ना लीज कब मिली। 1016 नियर बाई, कब तक है 1057, मिल रहे हैं ना लीज। ऐसे ही दोस्तों आप लोगों का राउटर भी क्या देगा, लीज पे आईपी। इस लीज टाइम पीरियड को हम सेट कर सकते हैं। दोबारा सुन लो, क्लाइंट एंड से क्या चलेगी, डिस्कवरी। सर्वर क्या देगा, ऑफर। क्लाइंट क्या देगा, रिक्वेस्ट। और यहाँ से क्या आएगा, एक ओके। यू कैन कंटिन्यू स्मूथली वर्क लीज टाइम पीरियड आल्सो। ओके, अब दोस्तों आपका डिस्कवर फेल हो जाए, ऑफर फेल हो जाए, रिक्वेस्ट फेल हो जाए, या एक फेल हो जाए, कुछ भी फेल हो जाए, तो दोस्तों क्लाइंट एंड पे एक सर्विस होती है, इसको क्या बोलते हैं, अपीपा। अपीपा स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक प्राइवेट इंट ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अपीपा इनेबल्ड हो जाएगा। अपीपा की रेंज है भाई 169.254.x.y। एक्स वाई बोल तो कोई भी एक आईपी असाइंड हो जाएगी नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी को छोड़ के। इट इज कॉल्ड अपीपा। और ये अपीपा का कॉन्सेप्ट ओनली फॉर माइक्रोसॉफ्ट। जो माइक्रोसॉफ्ट की विंडो है ना वही समझती है, लिनक्स यूनिक्स अपीपा को नहीं समझता। अब क्या आप आपके नेटवर्क में लिनक्स यूनिक्स चल रहा हो तब अपीपा नहीं होगा। अपीपा किसने रिजर्व किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ने। विंडोज का कॉन्सेप्ट है, पूछा जाएगा कॉन्सेप्ट। एक लिनक्स मशीन है वो अपीपा नहीं ले रही, एक विंडोज मशीन है वो अपीपा ले रही है, तो आप बताओगे अपीपा इट इज ए माइक्रोसॉफ्ट फीचर नॉट लिनक्स। आगे समझ दोस्तों, कोई भी एक राउटर लीजिए, स्विच लीजिए, पीसी लीजिए, कनेक्शन कीजिए। आइए सर, आईपी डिफाइन कीजिए। राइट, फर्स्ट टास्क। सेकंड टास्क क्या करना है, आईपी डीएचसीपी पूल बनाना है। पूल का नेम जो आपका दिल करे, क्या दे दिया, एनबी नेटवर्क। देन डिफॉल्ट राउटर गेटवे, क्या दिया, गेटवे 1.1। वही तो गेटवे आता है जो राउटर टू स्विच आईपी आप यूज करते हो, राइट और नॉट। देन डीएनएस सर्वर, इट इज ए ऑप्शनल, कुछ भी यूज करो जो आपका दिल करे, राइट। डीएनएस आप लोग कंसल्ट करोगे किससे, माइक्रोसॉफ्ट डिपार्टमेंट से। क्या बताया उसने, ये बताया था 888 क्या है, एक्सीलेंट। ओपन डीएनएस, एंटर, एग्जिट, आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूड। दोस्तों क्या होता है, डीएचसीपी जो पूल बनाती है उन आईपी को क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट। कोई भी चूज कर सकता है, मैं चाहता हूँ लेके कहाँ से, 1.1 से लेके 1 से 25 आईपी क्या हो,
रिजर्व होगी, ये ब्रॉडकास्ट नहीं होगी, ये अलर्ट नहीं होगी। भाई पूल तो क्या बना दिया, स्लैश 24 के अंदर कितना आईपी निकल के आता है, 254, 254 आईपी। नेटवर्क आईडियन प्रो 254, अब 254 अलॉट होगी ना। मैं नहीं चाहता 1 से 25 तक आईपी क्या हो, अलॉट कहोगे क्या रीजन है, इसी के अंदर से मैंने ना पब्लिक आईपी भी बाई कर रखी। पब्लिक आईपी तो आप बाई करते हो ना, अब पब्लिक आईपी किसी अननोन यूजर को मिल जाए क्या होगा भाई, उस पर भी इंटरेस्ट चलेगा। मैं चाहता हूँ 1 से 25 आईपी मेरी पब्लिक आईपी जो मैंने खरीदी हुई है उनको मैं क्या नहीं चाहता कि किसी अननोन यूजर को मिले, वो मेरे यूजर को मिले, एडमिन को मिले, प्रिंटर को मिले, मतलब जिसको मेरी, जिसको मुझे लगे, जिसको जरूरत है, राइट। नोट कीजिए दोस्तों, हाउ टू कॉन्फिगर DHCP सर्वर। पहले आप आईपी डिफाइंड है, राइट, आईपी याद करके इंटरफेस पे डिफाइन कर लेना आपको। आइए एलोटेड, एलोटेड राइट और नॉट, क्लोज करो, शो आईपी DHCP बाइंडिंग, दैट कमांड वी कैन चेक बाइंडेड एड्रेस, एंटर। जो जो एड्रेस ये आईपी है किसके बाद अलॉट की थी, 25 के बाद ना, क्योंकि भाई 1 to 25 तो एक्सक्लूड कर दिया, डिनाई कर दिया कि आईपी अलॉट ना करें, तो 25 के बाद आईपी दिया ऑटोमेटिक। दोस्तों कभी कह रहे हो आप लोग लीज टाइम नहीं दिखा रहा, रियल डिवाइस GNS पे करोगे तो लीज टाइम भी दिखा देगा, राइट, दिखा देंगे हम लोग। एंड मशीन पे आओ, कमांड आप लोगों को पता है, आईपी कॉन्फिग एंटर, क्या कमांड टाइप करें, नेक्स्ट स्लैश ऑल बता रखिए, एंटर। नेक्स्ट क्या है, स्लैश ऑल और डीप इंफॉर्मेशन दिखाएगा, एंटर। इसके अंदर DNS भी दिखा देगा, DHCP सर्वर भी दिखा देगा, आ रहा है ना, स्लैश ऑल, देख खुद डिफरेंस देखेगा आप लोगों को, लिमिटेड थिंग्स है ना। और यहां पे देखना क्या टाइप कर दूं, ऑल, DHCP सर्वर भी दिखा रहा है, DNS भी दिखा रहा है, MAC भी दिखा रहा है ना। अब आपने यहाँ पे क्या कमांड टाइप कर दी, रिलीज, रिलीज का मीनिंग है जो आईपी इसने क्या कर रखा है, चूज, उसको क्या कर देगा ये, लेफ्ट,
अब क्या करें, अदर मशीन है ये भी, इसके पास कोई आईपी नहीं है, देख सकते हो आप लोग। क्या इसने कोई आईपी उठा रखा है? क्लोज कर दो भाई। अब आपका ये मशीन मैंने कनेक्ट की, कनेक्ट करते इसको ओपन किया डेस्कटॉप, क्या आ गया? अपीपा इज बीइंग यूज्ड। क्यों? क्योंकि अभी ये क्या नहीं हुआ है, कनेक्ट। अरे आया समझ में? देखो दोस्तों अपीपा क्या बोल रहा है, अगेन रीड करो। व्हाट इज द रीजन फॉर गेटिंग अपीपा एड्रेस? एग्रियो अपीपा कब आएगा? जब डीएचसीपी सर्वर अनएवेलेबल होगा। ऐसा ही हुआ। अब स्टूडेंट बोलते हैं अनएवेलेबल थोड़ी अवेलेबल है दोस्तों, ये अप नहीं आया था। अब दोबारा देखो, मिल गया ना आईपी। कौन सा आईपी मिला? 26। क्यों? क्योंकि दोस्तों डीएचसीपी करता है फीफो का काम। फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये आईपी किसको अलॉट थी? इसको। इसने क्या कर दिया? रिलीज डीएचसीपी पे अवेलेबल है। अरे एग्री हो? क्लोज करो। अब आ गई आपकी एक्चुअल मशीन। ये एक्चुअल मशीन है ना, और इसने कमांड टाइप की विच वन? क्या कमांड दी? जब इसने रिन्यू किया तो इसने रिक्वेस्ट किया, आई नीड विच वन आईपी? 26। ये रीजन बताता है मेरी बफर में सेव है, मेरी मैक मेंटेन है, मेरी आर्क मेंटेन, मल्टीपल थिंग्स। स्टोरी लेके जाता है राउटर के पास, राउटर स्टोरी को एक्सेप्ट करता है, बट बोलता है दैट आईपी ऑलरेडी यू विल बी गेट न्यू अनदर। क्या मिला? थर्ड रिक्वेस्ट किया, आई नीड विच वन आईपी? 26। बट राउटर बोलता है वो आईपी तो किसी और को क्या कर दिया है, असाइन, यू विल बी गेट न्यू। अरे हुआ, और डीप स्टडी करते हैं। क्लोज करो। सिमुलेशन क्लिक करो, डेस्कटॉप, सिमुलेशन कर दिया है आईपी डीएचसी। इसने रिक्वेस्ट इनिशिएट की है डीएचसीपी। कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? एप्लीकेशन। क्या क्या आ रहा है ये बता रहा है? ऐसा ऐसा सर्वर एंड क्लाइंट की नीड है डीएचसीपी, राइट? एप्लीकेशन लेयर ने काम किया, प्रेजेंट सेशन काम करती नहीं है। कहाँ पे आया? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। और क्या बताया? यूडीपी बताया था ना आप लोगों को, यूडीपी बेस। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या यूज हुआ? यूडीपी। सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन 68 एंड 60। तो आप लोगों से पूछे डीएचसीपी वर्क ऑन टू टाइप्स ऑफ पोर्ट नंबर, 68 किसका है तो क्या बताओगे? क्लाइंट का। और 67 किसका है? सर्वर का। नोट करो। देन कहां पे आया? नेटवर्क लेयर। द पोर्ट डज नॉट हैव एन, कि भाई पोर्ट पे आईपी नहीं है। पैकेट पेलोड इज इट
इज ए डीएचसीपी यूडीपी सेगमेंट कि पैकेट के अंदर पेलोड कौन सा लगा है डीएचसीपी का यूडीपी सेगमेंट द डिवाइस एट द सोर्स एड्रेस टू द जीरो आईपी एड्रेस. बोला कोई आईपी तो है नहीं, सोर्स क्या लगा दिया 00 और डेस्टिनेशन क्या लगा दिया 255. दोस्तों आप लोगों से पूछा जाएगा लेयर 3 ब्रॉडकास्ट आईपी बताओ, तो क्या आंसर होगा आपका 4 टाइम्स 255. जब 4 बार 255 होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, इट इज ए लेयर 3 ब्रॉडकास्ट आईपी. कोई लेयर 3 ब्रॉडकास्ट पूछे तो क्या आंसर होगा, लेयर 2 ब्रॉडकास्ट 4 12 टाइम्स FFF. ओके, और यहां से पैकेट को क्या कर दिया, आउट. ये रिक्वेस्ट कहां पे गई, स्विच पे. अब क्या आया था, FFF F, कितने F, 12 F. पैकेट को क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट. ये लो, गया ना. अब राउटर भी डिस्कार्ड कर देगा, बोल देगा क्या लेके आया, FFF F. बट डीएचसीपी पैकेट को अंडरस्टैंड करेगा क्योंकि राउटर पे डीएचसीपी असाइंड है, बना रखा है ना पुल. अब वो क्या देखेगा कि इसको तो क्या चाहिए, आईपी चाहिए. दोस्तों अब न्यू पैकेट जनरेट करेगा और आईपी असाइंड करेगा, देखना. रिसीव दी फ्रेम, सोर्स क्या है AD2, डेस्टिनेशन सोर्स IP, डेस्टिनेशन द डिवाइस डीकैप्सुलेट. क्या बोल रहे हैं, द पैकेट इज ए DHCP पैकेट, द DHCP सर्वर प्रोसेसेस इट. DHCP सर्वर उसको किस में लेगा, प्रोसेसिंग में. आया भाई कुछ, सेकेंड पॉइंट, द DHCP सर्वर रिसीव्ड ए DHCP डिस्कवर पैकेट. उसने क्या मिला, एक डिस्कवरी मिली है. अच्छा, डिस्कवरी तो आई है नीचे से. The DHCP server does not have an existing binding to this. It looks up DHCP pool for a new अब क्या देगा, एक IP allot करेगा. Which one? New IP. New IP क्या होगा, पहला तो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं कि आईपी क्या है, एक कॉन्सेप्ट होता है मैक बाइंडिंग. एक मैक लो और आईपी लो, बाइंड कर दो, सर्वर पे ऑप्शन होता है, चाहे मशीन ऑन हो या ऑफ हो, मशीन ऑन हो या ऑफ हो. जब ऑन होगी उसको आईपी रिजर्व हो गया, वो किसी के लिए नहीं है. ऑफ होगी तब भी वो रिजर्व है. जब मशीन ऑन होगी तभी उसको क्या साइन किया जाएगा, आईपी. अरे आया भाई समझ में. तो क्या बोल रहे हैं थर्ड पॉइंट में कि कोई आईपी क्या नहीं है, रिजर्व. फोर्थ में क्या आया, द DHCP सर्वर फाइंड्स द नेक्स्ट अवेलेबल आईपी एड्रेस इन द कहां पे पैकेट आया, करना ओपन स्विच. क्या बोल रहे इन वाई E301, किसका मैक है E301, राउटर का. और FFF है, राउटर भी इसको क्या कराएगा, ब्रॉडकास्ट. आईपी क्या आई है, क्या मिलेगी आईपी, राइट.
सभी ने क्या कर दी, डिस्कार्ड। कहोगे इसने भी डिस्कार्ड कर दी, इसने FFFF को डिस्कार्ड किया है, बट IP को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट। ध्यान देना क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जो आर पाए है ना वो क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट, राइट। ब्रॉडकास्ट हुआ तो इसने क्या कर दिया, डिस्कार्ड। बट ध्यान देना कि IP एलोटेड है। ये समझा रहा है भाई, आपकी तीन साइटें है, तीन साइट है भाई, मास्टर सेटअप R1 R2 एंड R3। भाई R3 के लैन को IP की नीड है, तो मैं एक मास्टर बना दूंगा R1 को, R1 IP देगा। R2 के लैन को IP की नीड है तो R1 देगा। यही बता रहा है ना कि नॉट सेम सबनेट, अदर सबनेट में अवेलेबल है। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या आ गया, रिले एजेंट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिले एजेंट, एग्री हो? ओके दोस्तों, ये सेटअप है आप लोगों का, मैं सबको पूरा सेटअप किस पे डाल दिया है, अब DHCP पे डाल दिया, तो DHCP तो है ही नहीं, तो क्या आ गया, अपीपा। अपीपा स्टैंड्स फॉर, ओके, एंटायर नेटवर्क में अपीपा आ चुका है, ठीक है भाई। तो दोस्तों एक चीज समझा दूं आप लोगों को, इस नेटवर्क के अंदर प्रॉपर मेरी राउटिंग हो रखी है, R1, R2, R3, IP डिफाइंड है, शो IP, राउट भी एग्जिस्ट कर रहा है। मैं पिंग करूं, हाँ ये दोस्तों दो पैकेट लॉस हुए हैं, राइट, एक R1 से R2 और R2 से R3, ARP के लिए ड्रॉप हुआ था। इसका मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि R1 से R2 और R2 से R3 प्रॉपर मेरी क्या है, रीचेबिलिटी बनी हुई है, राइट। क्या करें आप, अब मुझे चाहिए एंड मशीन, रिसर्ट कर लो, जा रहा है ट्रैफिक। अब R1 पे मैं पूल बनाऊंगा, कितने, तीन, 10 का, 20 का, 30 का, IP DHCP पूल, पूल का नेम कोई भी जो आपका दिल करे, 10.000 डिफॉल्ट क्या दिया, एक और विच वन नेटवर्क गेटवे, एक और तीन पूल बनाए हैं, 10 का, 20 का, 10 का R1 के लिए, 20 का R2 के लिए और 30 का R। ये भी एरर समझाऊंगा क्या हुआ है, वैसे समझ ही लो बाद में क्या समझाए। आपने पूल बना दिया भाई 10 का, है ना, तो इससे पहला IP कौन सा उठा, 10.001, अरे यही आया ना, इसने ठाके 10.001 मशीन को दे दिया। अब इनमें हुई फाइट, फाइट बोल तो कॉन्फ्लिक्ट, क्यों हुई, क्योंकि दोस्तों यही IP आपने राउटर के इंटरफेस को दे रखी है, हुई कॉन्फ्लिक्ट, तो बोला नहीं आएगा, नहीं आया तो वन की जगह क्या दे दिया, 2। आप चाहते हो ऐसा हो ही ना, तो क्या करो बताओ,
तो क्या कर दूंगा 10.01 को क्या कर दूंगा एक्सक्लूड। जब 10.01 को क्या कर दूंगा एक्सक्लूड, तो क्या ये आईपी देगा? वन नहीं देगा। क्या देगा वन के बाद? टू। ठीक है ना, करके देखना ऐसा। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि आर टू के लैन को क्या चाहिए आईपी। अभी पा रहा है क्या रीजन है देखते हैं। डीएचसीपी फेल्ड। क्यों है फेल्ड भाई? रिक्वेस्ट कहाँ पे गई? स्विच। स्विच ने किसको हैंड ओवर कर दी? राउटर को। राउटर बोलता है क्या लेने आए हो? बोला डीएचसीपी। बोले यहाँ नहीं है। नहीं तो आप बता दो, आर टू को पता है डीएचसीपी कहाँ है? नहीं। स्टूडेंट बोलता आर वन पे। रो तो आपको पता है ना, आर टू को थोड़ी पता है कि आर वन पे है। तो दोस्तों क्या करोगे, टी इंटरफेस F6/0 यही है ना एंड मशीन का गेटवे। आईपी हेल्पर एड्रेस कि आपके पास कोई आईपी लेने आए तो किसको दे देना रिक्वेस्ट? आर वन पे डीएचसीपी है ना, आ जाओ। आ गया, क्लोज करो। यहां भी ऐसा ही है, आर थ्री को थोड़ी पता है। तो आर थ्री के ब्रेन में क्या देंगे? राइट, लो भाई। तो कौन से गेटवे? याद रखना, स्टूडेंट से गलती हो जाती है। Which one? Conf interface IP बोलो। कर दी हैंड ओवर। Listen भाई, क्लोज। एलोटेड है, क्या रहे 20 पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया भाई, होना ही था। पूल क्या बना दिया 20.00, आईपी क्या दे दिया 1, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फाइट हुई, नहीं एक्सेप्ट किया। ठाके कौन सा आईपी आया? 2। बैंडविड्थ वेस्ट है। आप चाहते हो ऐसा हो ही ना, तो आप क्या कर दो 10.01 को कर दो, 21 को कर दो, 30 को। अब स्टूडेंट बोलते हैं सर आपने तो रेंज बताई थी। अरे नहीं भाई, जैसा आपकी नीड हो। आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूड क्या कर दूं? अब स्टूडेंट बोलते हैं मेरी एक आईपी और है, विच वन? तो जैसा आपका दिल करे, राइट, डिमांड के हिसाब से क्या कर सकते हैं एक्स। आगे सुनो, शो आईपी पी डीएचसीपी बाइंडिंग। आर1 क्या है? डीएचसीपी सर्वर है डेडिकेटेड। आर1 ही देख पा रहा है किसको कहां पे आईपी एलोकेट। अरे एग्री दोस्तों, हम केबलिंग की बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है केबलिंग। मीडिया, यू कैन से मीडिया। डीएचसीपी कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट टॉपिक है केबलिंग। तो यूटीपी की बात करेंगे। यूटीपी स्टैंड्स फॉर ट्विस्टेड पेयर। तो यूटीपी के अंदर दो कलर कोड होंगे, एक यूटीपी स्ट्रेट होगा और एक यूटीपी क्रॉस होगा। कैसे केबल स्ट्रक्चर रेडी करेंगे, स्टेट और क्रॉस का करते हैं डिस्कस।
दोस्तों स्टेट केबल यूज़ होती है डिफरेंट डिवाइसेस, और क्रॉस केबल यूज़ होती है स्विच टू पीसी, राउटर टू पीसी, विच केबल स्ट्रेट, पीसी टू पीसी, राउटर टू राउटर, स्विच टू स्विच। दोस्तों एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन एक्सेप्शन ये है कि राउटर टू पीसी या सर्वर, राउटर टू पीसी या सर्वर, विच केबल क्रॉस केबल, राइट। आजकल लेटेस्ट डिवाइस आ रहे, कोई भी केबल कहीं पे कनेक्ट करो, नॉट ए बिग प्रॉब्लम। बट क्या पता रियल वर्ल्ड में ओल्ड स्ट्रक्चर पे वर्किंग हो या लेटेस्ट पे, वो तो देखना पड़ेगा। काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं रियल वर्ल्ड में सब कुछ होता है, ओल्ड भी और लेटेस्ट भी, तो केबलिंग स्ट्रक्चर नॉलेज होनी चाहिए। रियली ठीक वर्ड है, केबलिंग स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं केबलिंग करूं तो मुझे तीन चीज चाहिए। एक चाहिए यूटीपी वायर, दूसरा क्रिम्पिंग टूल, अभी जो आपके सामने है क्रिम्पिंग टूल, और थर्ड चाहिए, करेक्ट करेक्ट बिल्कुल ठीक बोला, RJ45। R स्टैंड्स फॉर रिकमेंडेड जैक, फोर्थ, हाँ रजिस्टर्ड भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, रजिस्टर्ड जैक या रिकमेंडेड जैक, फोर्थ पेयर, फाइव कैटेगरीज, RJ40 रिकमेंडेड जैक या रजिस्टर्ड जैक, फोर्थ पेयर, चार पेयर होंगे, फाइव कैटेगरी, बोलो तो पांच कलर है इस केबल के अंदर। ऑरेंज, वाइट, ऑरेंज, ऑरेंज वाइट, एक ही केबल है उसमें एक ही पेयर है, उसमें फ्लेवर दो है, एक ही केबल है, जैसे एक केबल है और उसमें फ्लेवर दो है, समझ गए ना? हाँ जी, ऑरेंज वाइट, ऑरेंज ग्रीन, वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन। दोबारा सुन लो, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, शॉर्टकट मत नोट करना, प्रॉपर नोट करना, ऑरेंज वाइट ऑरेंज। ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन, बीआर में ये ले। दोबारा सुन ले, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन, ऐसे पेयर बना ले। ये दोस्तों कौन सी केबल होगी? यूटीपी स्ट्रेट केबल होगी। जब दोनों एक केबल होगी आपके पास ऐसे, इस केबल के जब दोनों एंड सेम हो जाएंगे ना, तो कौन सी केबल बोल दोगे? यूटीपी स्ट्रेट केबल। केबल होती है दो एंड होंगे, दोनों एंड सेम होंगे, तो कौन सी केबल बन गई भाई? यूटीपी स्ट्रेट, कहते क्रॉस। ये
ऑरेंज वाइट ऑरेंज ग्रीन वाइट ब्लू ब्लू वाइट ग्रीन ब्राउन वाइट ब्राउन। ये जो केबल रेडी होगी ये एक पेयर और बताते हैं ऑरेंज वाइट ऑरेंज ग्रीन वाइट ब्लू ब्लू वाइट ग्रीन ब्राउन वाइट ब्राउन। सॉरी यार सॉरी ये हो गई। जब ये स्ट्रक्चर होगा तो कौन सी केबल रेडी हो जाएगी? यूटीपी क्रॉस। ये लो ग्रीन वाइट ऑरेंज वाइट ब्लू वाइट ब्राउन वाइट ब्राउन। इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा तो आपके पास कौन सी केबल रेडी हो जाएगी? क्रॉस। दोस्तों एक एंड पे स्ट्रेट होगा एक एंड पे डिफरेंट कलर कोड होगा तो कौन सी केबल रेडी हो जाएगी? क्रॉस केबल। राइट करते हैं केबलिंग। दोस्तों जो फर्स्ट और सेकंड पेयर है वो क्या काम करता है? ट्रांसमिटिंग का। भाई आप कनेक्ट करते हो ना केबल, जो फर्स्ट और सेकंड पेयर है वो डेटा को क्या करेगा? ट्रांसमिट। और जो दोस्तों थर्ड और सिक्स्थ है, तीसरा और छठा, वो गेम करेगा रिसीविंग का। जो फर्स्ट पेयर है ऐसे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन एट, तो जो यूजेबल है वो है फर्स्ट सेकंड थर्ड सिक्स्थ फोर्थ फिफ्थ सेवन्थ और एट्थ यूजेबल नहीं है। क्यों कहोगे? फिर क्या नीड है? ये काम करते हैं पावर सप्लाई का। अब रियल वर्ल्ड में क्या था, आपका आईपी फोन लगाओ मॉडम लगाओ तो उनके लिए एक स्विच चाहिए दोस्तों, स्पेशल स्विच आता है जिस स्विच को बोलते हैं पीओई स्विच। पावर ओवर इथरनेट, वो स्विच पावर का भी काम करेंगे, डेटा सेंडिंग एंड रिसीविंग का भी काम करेंगे। राइट पीओई स्विच बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं? पीओई। अब वो आपने देखना है रियल वर्ल्ड में पीओई पे काम कर रहे हो, पावर चाहिए नहीं चाहिए, यू आर नेटवर्क इंजीनियर। यदि डेटा एंड पे काम कर रहे हो, डेटा सेंडिंग एंड रिसीविंग का है, तो दोस्तों 1236 पे काम हो जाएगा। कहते हो नहीं मेरे तो मॉडम लगे हुए हैं, एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं, सीसीटीवी लगे हुए हैं, उनको क्या चाहिए? पावर, डेटा प्लस पावर। तब भैया कितने पेयर चाहिए? फोर पेयर। अरे फोर है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, अदरवाइज डेटा डेटा का गेम है, तो 1236 पे गेम हो जाएगा। ऐसे स्टेट केबल में और ऐसा क्रॉस केबल। ठीक है दोस्तों कंप्लीट हुआ केबल स्ट्रक्चर। एक छोटी सी कमांड है दोस्तों, छोटी सी कमांड क्या है, आप लोग क्या करते हो, आप लोग ये कौन सा मोड है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब यहाँ पे चाहते हो शो रन चले, नहीं चल रही ना, यू आर नेटवर्क इंजीनियर, आप इतने फास्ट हो जाओगे आगे चल के, क्लाइंट साइड पे आप काम कर रहे हो, आप चाहते हो इसी मोड पे कौन सी कमांड चले? शो कमांड। तो क्या लगा देना है? डू शो रन, बस चल गई है ना। अब आप क्या चाहते हो? एस एच आई पी इंट ब्रेफ, नहीं चली ना, क्या लगा दू? We can run every show command on global configuration mode with the help of do. Enter. चल गई। ये बेटू